अरे पिछली मरतबा हमने कुछ तारुफी चीजें पढ़ी थी। तो ये कि इल्मु सर्फ और इल्मु नाफ से मुराद क्या है, और फिर कलेमा जो है उसकी कितनी अकसाम है और उनमें क्या फर्क है। उसके बाद फिर हमने इस्म के बाबत कुछ चीजें पढ़ना शुरू की थी। सबसे पहले हमने इस्म की जिन्स डिस्कस की थी कि उसके जेंडर जो है वो हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ इस्म मुजक्कर है और क्या मुअन्नस है। इसमें मेजरली हमने क्या देखा था कि मुजक्कर और मुअन्नस में क्या चीज फर्क करती है। मुअन्नस की हमने अलामत पढ़ी थी ना एक। जी सर, क्या अलामत होती है? ताई मरबूता होती है। ताई मरबूता जिस इस्म के आखिर में है वो मुअन्नस है। और इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ इस्म है जिनमें अलामत ना भी हो तो लेकिन उनके मानी से ही पता चल जाता है कि वो मुअन्नस है। जिसे मुअन्नस हकीकी कहते हैं जो सिर्फ जिंदा चीजों में होगा, जानदारों में। और तीसरा हमने देखा था कि कुछ मुअन्नस होते हैं ऐसे कि जो अलामत भी नहीं रखते, उनमें ताई मरबूता नहीं आती और वो वैसे भी यानी फिजिकली भी कोई मुअन्नस नहीं है रियल वर्ल्ड में। जैसे वो बेजान चीजें हैं कुछ तो, लेकिन वो इस्तेमाल मुअन्नस की जाती है, उसे हम फिर मुअन्नस समाई कहते हैं। और वो वक्त के साथ साथ सीखते हैं ऐसे लफ्ज जो तादाद में बहुत ज्यादा नहीं। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब चीजें क्लियर हैं? जी चले सर, बेहतर। जी आगे आज हम अभी पढ़ेंगे कि इस्म के जो नंबर है वो कैसे मालूम होते हैं। कोई लफ्ज हम देख रहे हैं किसी जुमले में कोई इस्म आया है तो या तो वो वाहिद होगा या जमा होगा। और उर्दू में तो जैसे हम वाहिद तो जमा ही पढ़ते हैं, ज्यादातर जबानों में दो ही तकसीम है। लेकिन अरबी में आप लोगों को मालूम होगा कि अदद के एतबार से भी लफ्ज को तीन तरह से तकसीम किया जाता है। तो इस्म अगर एक शय के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो वो वाहिद है, अगर दो के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम तस्निया कहते हैं, और जो इसम तीन या ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको जमा कहते हैं। ठीक है, तो दो के लिए एक अलग से लफ्ज़ होता है जिसे हम तस्निया या मुसन्ना कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को। तो अब इनमें फर्क कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसम वाहिद है या तस्निया है या जमा है? तो जैसे हमने मुजक्कर और मुअन्नस जब पढ़ा था तो वहां भी डिस्कस किया था कि हम मुअन्नस की हमने डिटेल देख ली थी कि वो कितनी तरह का हो सकता है। और फिर हमने ये देखा कि जो इस मुअन्नस नहीं है तो उसे हम बाय डिफॉल्ट मुजक्कर समझेंगे। तो इसमें भी इसी तरह है कि हम तस्निया और जमा को पढ़ेंगे, और जो इसम फिर तस्निया या जमा नहीं है तो वो जाहिरी बात है वो वाहिद समझा जाएगा। ठीक है, तो वाहिद की ऐसा जैसे कोई अलामत या कोई रूल्स नहीं है, इसम बाय डिफॉल्ट वाहिद ही है। जैसे किताब है, कलम है, कुर्सी है, मकतब है, तो ये सारे लफ्ज वाहिद हैं, समोरात एक एक चीज है। तस्निया यानी वो इसम जो दो को डिनोट करता है, दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी एक अलामत है और इसके बनाने का एक तरीका भी है। कोई भी तस्निया इस्म हमें अगर बनाना हो तो हम वाहिद के एंड पे अलिफ नून या नून ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कलम है एक कलम, तो अगर दो कलम हमें कहना है तो हम कहेंगे कलमानी, तो अलिफ ऐड करेंगे एंड पे और नून, इस नून पे हम कसरा यानी जेर बोलते हैं, तो कलमानी दो कलम होंगे। इसी तरह किताब एक है और किताबानी अगर किसी जुमले में आएगा तो दो किताबें समझा जाएगा। कुर्सी कुर्सी यानी दो है। रजुल एक आदमी है, रजुलानी दो आदमी है। बिंत एक लड़की है, बिंतानी दो लड़कियां। तो मदरसा मदरसा तानी, तो ये दो स्कूल्स होंगे। ठीक है, तो वाहिद के एंड पे अलिफ नून ऐड करने से तस्निया बनता है। तो अलिफ पे तो जाहिरी बात है कोई हरकत नहीं होती, लेकिन जो नून हम ऐड करते हैं वो कसरा के साथ आता है, वो जेर के साथ बोला जाता है। तो हम वाहिद में जैसे अलिफ नून ऐड करते हैं, इसका एक और वेरिएंट भी होता है। आपको कभी अलिफ की बजाय या भी देखने को मिलेगा। कभी कभार हम कलमानी के बजाय कलमैनी भी यूज करते हैं।
या किताबानी के बजाय किताबैनी, रजुलानी रजुलैनी भी यूज किया जाता है। इसी तरह बिनतानी है तो बिनतैनी भी कर सकते हैं। तो चाहे अलिफ नून के साथ लफ्ज आ रहा हो या नून के साथ आ रहा हो, वो दोनों से मुराद तस्निया ही होता है। लेकिन इन दोनों का आपस में एक फर्क है कि, और वो डिपेंड करता है कि वो लफ्ज जुमले में कहाँ यूज हुआ है। जुमले के कुछ रोल्स ऐसे हैं जिनमें हम अलिफ के साथ यूज करेंगे और कहीं इसको हम या के साथ यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरह के फर्क जैसे हमारे यहाँ भी है कि उर्दू में हमें जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फर्ज करें कि मैंने लड़कों को समझाया, या हम लड़कों बोल रहे हैं जमा, ठीक है। या लेकिन अगर आप इसी को किसी और अंदाज से कहेंगे इसी लफ्ज को, तो आप लड़कों के बजाय समटाइम्स लड़के यूज करेंगे। जैसे कुछ लड़के अभी यहाँ आए थे, तो कहीं आप लड़कों बोल रहे हैं, कहीं लड़के बोल रहे हैं। तो ये जो फर्क आ रहा है वाओ, या वो हमें पता है कि हमें कहाँ कौन सा लफ्ज बोलना है, वो जुमले में कहाँ कौन सा लफ्ज बेहतर लग रहा है, या उसके रोल के अतबार से उसे क्या लफ्ज हमें कैसे बोलना चाहिए। तो इसी तरह अलिफ और या का भी जो फर्क है वो उसके रोल पे डिपेंड करता है कि अगर वो लेट से अगर सब्जेक्ट बन के आया है जुमले में तो अलिफ के साथ यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के बन के आ रहा है तो या के साथ यूज करेंगे। और ये वाले जो डिफरेंसेस हैं ये इंशाल्लाह आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल बस ये आप नोट कर लें अपने पास कि तस्निया जो है वो वाहिद यानी सिंगुलर के एंड में अलिफ नून या नून ऐड करके बनाते हैं। तो कोई भी इस्म हम ऐसा देख रहे हैं जो वाहिद के एंड में जहाँ अलिफ नून या नून के एडिशन है, तो वो इस्म फिर दो को डिनोट करेगा, ठीक है जी। इसमें अलिफ पे भी कोई हरकत नहीं होती, या पे भी कोई हरकत नहीं होती, लेकिन जो नून है उसमें जेर आती है, कलामानी और कलामैनी। और अलिफ और या से पहले वाला जो है तो उस पे हम जबर। जो या वाली फॉर्म्स हैं वो हम इवन उसमें कई लफ्ज हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं तस्निया। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वालिदैन, तो वालिदैन जो है ये तस्निया है कि वालिद के एंड पे या नून ऐड किया गया। तो वालिद और वालिदा चूंकि दोनों पेरेंट्स मुराद हैं, तो वो तस्निया का वर्ड है ये, वालिद और वालिदा दोनों के लिए वालिदैन। इसी तरह हम कहते हैं ईदैन, जो दोनों ईदें हैं तो ये भी तस्निया है, ईद से ईदैन। इसी तरह मिसाल के तौर पे फरीकैन का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि फरीकैन ने बाहम रजामंदी से तय किया, तो फरीकैन से मुराद दो फरीक हैं, दो पार्टीज हैं, दो ग्रुप्स हैं। इसी तरह तरफैन, तरफैन भी तरफ का तस्निया यानी दोनों साइड्स, ठीक है जी, या दोनों एंड्स। तो ये कुछ अल्फाज उर्दू में भी मुस्तमल है, लेकिन उर्दू में आपको अलिफ के साथ कोई तस्निया नहीं मिलता, ये के साथ ही तस्निये मिलते हैं। लेकिन अरबी में वो अलिफ के साथ भी जाहिर बात यूज होगा, नहीं हम तो जैसे वालिदैन बोलते हैं, लेकिन अरबी में इसके दोनों दोनों वेरियंट्स हैं, वालिदैनी या वालिदानी, ईदैनी ईदानी, फरीकैनी फरीकानी, तरफैनी तरफान, ठीक है। नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक में, जैसे रजुलान इमरातान वलदान बिन्तान मुशरिकान साजिदान नबियान साहिरान जोजान ऐनान शफतान मलकान बुरहानान और मुस्लिमतान। इन्होंने सिर्फ अलिफ के साथ दिया है, या के साथ भी सब लफ्ज आ सकते हैं, जैसे रजुलैन इमरातैन वलदैन बिन्तैन भी यूज हो सकता है। तो ये सारे लफ्ज दो के लिए यूज हो रहे हैं। खैर जी आगे चलें। आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए क्या बताया था कि सब्जेक्ट के लिए कौन से इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए कौन से इस्तेमाल करेंगे? जी वो मैं वैसे मिसाल के तौर पे बता रहा था कि जैसे अगर सब्जेक्ट है तस्निया तो अलिफ के साथ आएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो या के साथ आएगा। जी ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही। जी बाकी लोगों को भी मुश्किल आ रही है सुनने में, ठीक नहीं सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। है।
अच्छा चलें, ये तो हो गया तस्निया। इसकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत मिलेंगी पुराने पाक में भी। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह बलद में है, अलम नजअल लहू आइनैन व लिसानं व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। तो ये हर जगह जो आखिरी लफ्ज है या नून वाला, ये तस्निया आ रहा है। ठीक है, जैसे आइनैन, अलम नजअल लहू आइनैन, कि हमने इसको क्या दो आंखें नहीं दी। और इसी तरह वलिसानु व शफतैन, तो शफतैन भी वही तस्निया शफा का। शफा कहते हैं होंठ को, क्या हमने इसको दो होंठ नहीं दिए। वह हदीना हूँ नजदैन, और हमने इसको दो रास्ते नहीं दिखा दिए, यानी अच्छाई का रास्ता और बुराई का रास्ता। तो ये सारे लफ्ज नजदैन जो है ये भी तस्निया है। इसका सिंगुलर नजद होगा, इसी तरह शफतैन का सिंगुलर शफा होगा शफतुन, और आइनैन का सिंगुलर आइनुन होगा। ठीक है, तो तस्निया से अगर हम या नून या अलिफ नून एंड से रिमूव कर दें तो वो सिंगुलर रह जाएगा पीछे। इसी तरह सूरह रहमान में बहुत आया है तस्निया, जैसे मिसाल के तौर पे वो जो है अय्युह सकलान सनफरुगु लकुम अय्युह सकलान। तो सकलान जो है यानी दो जमातें, दो ग्रोह, ये भी मुसन्ना है, जिसका सिंगुलर है सकल। ठीक है, तो सकल से सकलान। इसी तरह एंड पे जो है आखिरी रुकू सूरह रहमान का, वहां पे भी आया है कि जन्नतान, तो जन्नतान से मुराद यानी दो जन्नतें, दो बाग। मुदहामतान, तो मुदहामतान भी वही तस्निया है, यानी जो गहरे सब्ज होंगे। ठीक है, या इसी तरह आइनानी तजरियान, तो आइनानी ये भी तस्निया है, आइनुन का तस्निया के दो चश्मे। तो बहुत से लफ्ज आपको मिल जाएंगे अगर आप गौर करेंगे तो। इसके बाद जमा पे चलते हैं। तो जमा वो है जो लफ्ज तीन को डिनोट कर रहा है या तीन से ज्यादा को। अब जमा अरबी में दो तरह की होती है। एक जमा है जो हम सिंगुलर में कुछ ऐड करके बनाते हैं, यानी जैसे हमने अभी तस्निया में पढ़ा कि हम सिंगुलर के एंड पे अलिफ नून या नून ऐड कर रहे हैं तो तस्निया बन रहा है। तो जमा में भी एक जमा होती है जिसमें हम कुछ एडिशन करते हैं, तो आखिर में कुछ ऐड किया तो जमा बन गई, उसे हम कहते हैं जमा सालिम। ठीक है, जमा सालिम, ये देखिए सालिम का मतलब ही नहीं, जो चीज सही है, जैसे हम बोलते हैं ना सही सालिम, तो साउंड प्लूरल। तो जमा सालिम है कि इसमें आप वाहिद जो है वो ठीक रहता है, उसको उसकी शेप या उसका स्ट्रक्चर आप बदलते नहीं है, बस उसके एंड पे कुछ ऐड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुस्लिमीन, तो मुस्लिम का जो वर्ड है इसी में हमने या नून ऐड किया और मुस्लिमीन बन गया। तो ऐसी जमा को जमा सालिम कहेंगे कि जिसमें सिंगुलर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता जब हम उसको जमा बनाते हैं, यानी इस जमा में सिंगुलर हमें नजर आ रहा है। अगर हम या नून निकाल देंगे तो वो सिंगुलर रह जाएगा, मुस्लिमीन मुस्लिम। तो इस तरह की जमा जो एडिशन से बनाई जाए उसे हम जमा सालिम कहते हैं। और दूसरी जमा होती है जिसमें आप कुछ ऐड नहीं करते बल्कि वो जरा डिफरेंटली बनती है, सिंगुलर का लफ्ज कुछ और है, जमा का लफ्ज उससे कुछ मुख्तलिफ होगा, उसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं। मिसाल के तौर पे वाहिद है किताब, वो किताब की हम जमा करते हैं कुतुब, कलम की हम जमा करते हैं अकलाम, कमीज की जमा हम करते हैं कुमसान, मस्जिद मसाजिद। इसी तरह नबी अंबिया, कौल अकवाल। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर इनमें से हर जमा का जो लफ्ज है वो डिफरेंट है, उसका वाहिद भी मुख्तलिफ है, और वो किसी एक पैटर्न पे नहीं जमा बन रहा कि हम कुछ ऐड कर रहे हो, बल्कि सिंगुलर की शक्ल डिफरेंट है, वाहिद डिफरेंट है, उसमें कुछ कभी कोई हर्फ हम ऐड कर रहे हैं, कहीं एक हर्फ ऐड हो रहा है, कहीं दो ऐड हो रहे हैं, कहीं कोई हर्फ कम हो रहा है। तो जो इस तरह की जमा होती है जो जरा वाहिद से डिफरेंट होती है उसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं। ठीक है, तो मुकस्सर का लिटरल मीनिंग है टूटा हुआ, ये लफ्ज कसर से। तो जमा मुकस्सर इसलिए इसको कहते हैं कि इस जमा में जो सिंगुलर है वो टूट जाता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं रहता, वो बदल जाता है। जैसे देखें किताब, तो जमा जब हम बना रहे हैं कुतुब,
कुतुब के लफ्ज के अंदर अब किताब का लफ्ज मौजूद नहीं है, वो टूट गया है वो लफ्ज, ठीक है। या हम जब नबी से अंबिया बना रहे तो अब अंबिया के अंदर नबी का वर्ड आपको नहीं मिल रहा, तो ये लफ्ज डिफरेंट है उससे। तो इस तरह की जो जमा है इसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं, ये ब्रोकन प्लूरल कहलाती है। जमा सालिम जो है इसे हम साउंड प्लूरल कहते हैं। तो जमा मुकस्सर जो है ये कई तरह से बनती है, इसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं और इसका कोई एक रूल नहीं है, तो इसलिए या आप फौरन नहीं सीख सकते, इस पे आपको टाइम लगेगा। और आप जैसे जो जो लिटरेचर पढ़ते जाएंगे तो आप इल्म में नई जमा के लफ्ज आते जाएंगे। जैसे हम उर्दू में याद करते हैं कि इस लफ्ज की जमा ये है, इसी तरह अरबी में भी आपको याद करना होगा कि ठीक है कि इस लफ्ज की जमा यूज क्या होती है, क्योंकि इसके पीछे कोई एक रूल नहीं है। जहां तक जमा सालिम की बात है तो उस वो एक ही चूंकि सेट एडिशन के थ्रू बन रही होती है तो उसे आप याद कर सकते हैं जमा सालिम में। लेकिन अगर हम जाएं तो आगे फर्दर पे दो टाइप्स बनती हैं, एक है जैसे हम जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं और दूसरा जो है जो जमा मोअन्नस सालिम कहलाती है। तो मुजक्कर सालिम वो जमा है जो मुजक्कर के लिए यूज होती है और ये सिंगुलर में वाव नून ऐड करके बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुस्लिम, तो मुस्लिम से मुस्लिमूना, इसमें जो वाव ऐड होता है वाव पे तो सुकून होता है और वाव से पहले वाले हर्फ पे पेश, और उसके बाद जो नून ऐड हम करते हैं नून पे जबर बोलते हैं। तो मुस्लिम एक मुसलमान है, मुस्लिमूना ये ज्यादा मुसलमान है, मुदर्रिस एक उस्ताद, मुदर्रिसूना ये ज्यादा असातिज़ा, ठीक है। इसी तरह फलाह एक किसान है, फलाहूना ज्यादा किसान, मुज्तहिद एक मेहनती आदमी, मुज्तहिदूना ज्यादा मेहनती लोग। तो इस तरह से हम इसको वाव नून से जमा बना लेते हैं, आबिद आबिदूना, साजिद साजिदूना, सादिक सादिकूना। इसका भी दूसरा वेरिएंट है, जैसे हमने तस्निया में पढ़ा था कि अलिफ ऐड होता है या अलिफ के साथ हम या भी कभी यूज कर सकते हैं, तो इसी तरह ये जो जमा सालिम है इसमें वाव की बजाय समटाइम्स या भी यूज होता है। तो मुस्लिमूना, और इसको हम मुस्लिमीना भी यूज कर सकते हैं, मुमिनूना मुमिनीना, आबिदूना आबिदीना, सादिकूना सादिकीना, मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना। तो ये दोनों जमा हैं और इनमें फर्क नहीं है इनके मानी में, ठीक है। तो जैसे वाओ हमने ऐड किया ऐसे ही या भी आ सकता है, लेकिन फर्क इसमें ये पड़ता है कि वाओ से पहले हम जैसे पेश बोलते हैं या जब ऐड करते हैं तो उससे पहले फिर जेर बोलते हैं, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ठीक है जी। और ये ऐसा क्यों है कि हम कहीं वाओ बोल रहे हैं कहीं या, ये जिस तरह हमने तस्निया में डिस्कस किया था कि ये डिपेंड करता है कि वो इस जुमले में कहाँ यूज हुआ है, किस हैसियत से आया है। तो इसी तरह जमा का लफ्ज भी जुमले में कहाँ यूज हो रहा है तो उस एतबार से कहीं वाओ बोला जाता है कहीं या। जैसे अगर लेट्स से सब्जेक्ट बन के आ रहा है ये लफ्ज तो वाओ यूज करेंगे मुस्लिमूना, ऑब्जेक्ट बन के अगर आ रहा है तो हम या यूज करते हैं मुस्लिमीना। तो इसी तरह और भी कुछ डिफरेंसेस हैं कि कहीं वाओ और कहीं या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाली जो जमा है जो वाहिद के एंड पे वाओ नून या नून ऐड करके बनाते हैं इसको हम जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं, क्लियर है जी। फिर उसके बाद दूसरी जमा जमा मोअन्नस सालिम, यानी जो मोअन्नस के लिए यूज की जाती है। ये इसको जमा मोअन्नस सालिम इसलिए कहते हैं कि ये ज्यादातर मोअन्नस के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मोअन्नस के लिए यूज हो, ये मुजक्कर के लिए भी समटाइम्स आ सकती है। तो किसी मुजक्कर लफ्ज की जमा भी आप इस तरह बना सकते हैं, और ये जमा बहुत कॉमन है, ये हम अरबी से जो दूसरी जबानें मुतासिर हुई हैं उनमें भी आपको ये जमा मिलेगी, टर्किश में भी आपको, पर्शियन में भी आपको, उर्दू में भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जो हम जमा मुअन्नस सालिम वाले पैटर्न बनाते हैं। तो ये सिंपल वाहिद के एंड पे अलिफ ता ऐड करने से जमा बनती है, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिमात, तो ये मुसलमान औरतें मुराद होंगी। इसी तरह
मुमिन से मोमिनात, सादिक सादिकात, मुदर्रिस मुदर्रिसात, तबीब तबीबात, ठीक है। ये उर्दू में भी आपको बहुत से लफ्ज मिल जाएंगे इस पे, इम्तिहानात, ठीक है, इख्तियारात, तजावुजात, तो ये अल्फाज आपको कॉमनली मिल जाते हैं अपनी जबान में भी। तो जो अलिफ ता के साथ जमा बन रही है वो जमा मुअन्नस सालिम है, जो वाउ नून या नून के साथ बन रही है वो जमा मुज़क्कर सालिम है, और वो जमा जो जरा वाहिद से डिफरेंट है जो हम याद करते हैं वो जमा मुकसर है। क्लियर है जी? इसके अब एग्जाम्पल्स देख लें। जमा मुकसर की मिसालें हैं जैसे रसुल, ये रसूल की जमा है, अम्बिया नबी की जमा, फुकरा फकीर की जमा है, मसाजिद मस्जिद से, अनहार नहर की जमा है, अबवाब बाब से, अशहर शहर से, इसी तरह इबाद अब्द से। ये मुख्तलिफ जो जमे आ रही हैं, अनफुस नफ्स से, अय्याम यौम से है, औलाद वलद से, अमवाल है माल से, कुलूब कल्ब से, आयुन आइन से, और अलसना लिसान से। तो ये सारी जमा मुकसर है कि वाहिद डिफरेंट है, जमा उसकी उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जी क्लियर है जी ये बात? जी सर, चलिए अच्छी बात है, इसको एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं। अदद के एतबार से अरबी में लफ्ज तीन तरह का होता है। वाहिद है जो एक को डिनोट कर रहा है, तस्निया या मुसन्ना दो को डिनोट करता है, और जमा तीन के लिए या तीन से ज्यादा के लिए आती है। तो तस्निया हम वाहिद में अलिफ नून या नून के एडिशन से बनाते हैं, और इसमें जो नून होता है उस पर जेर आएगी हमेशा, ठीक है, और अलिफ और या से पहले वाले हर्फ पे जबर आएगा, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। जमा जो है वो दो तरह की है, जमा मुकसर जमा सालिम। जमा मुकसर जो है वो हम याद करते हैं, उसका कोई एक उसूल नहीं है, और ये जमा जो है इसमें वाहिद का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जमा का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जैसे किताब से कुतुब, या रसूल से रसुल, नबी से अंबिया, ये वाली जमा मुकसर है। दूसरी जमा है सालिम, जो एक सेट पैटर्न के तहत बनती है। इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है जो जमा मुजक्कर के लिए यूज होती है, उसे हम जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं। ये वाहिद में वाव नून या नून के एडिशन से बनाते हैं, वाव से पहले पेश बोलेंगे, या से पहले जेर बोलेंगे, और जो नून है उस पे हमेशा जबर बोला जाएगा, तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना। और दूसरी जमा है जमा मुअन्नस सालिम, ये ज्यादातर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये वाहिद में अलिफ ता के एडिशन से बनाते हैं, तो मुस्लिमात मुमिनात आबिदात मुदर्रिसात वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपको अलिफ और ता ही मिलेगा, इसका कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जिसमें अलिफ की जगह या यूज हो रहा हो या वाओ यूज हो रहा हो, ये हमेशा अलिफ के साथ ही आता है। जी कोई कंफ्यूजन या कोई चीज समझ ना आई हो? क्लियर है सब यहाँ तक? चलें अच्छी बात है। सही। अब नीचे कुछ लफ्ज हैं, उनमें आपने पहचानना है कि कौन सा लफ्ज वाहिद है, कौन सा तस्निया, कौन सा जमा। जी अबू बकर, जी आपने तो मेरा ख्याल है पिछले बैच में भी आप थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने दोबारा लिया ये वाला कोर्स? सर, वो उधर शॉप की वजह से ना, जॉब की वजह से, मतलब वो उधर टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, इस वजह से ये दोबारा लिया है मैंने, वीकेंड सही। वाला है। ओके ठीक है। जी अबू बकर, ये बताइएगा अल कलम ये क्या है, वाहिद तस्नी वाहिद जमा में से वाहिद है, ठीक है। जी अनम, जी सर, जी अल किताब ये क्या है? जी सर ये वाहिद है। वाहिद है, ये भी ठीक है। मोमिना आगे आप बताइएगा। असाआ सर ये भी वाहिद है। वाहिद है। असाआ कहते हैं किसे? हाँ घड़ी को बोलते हैं। घड़ी, ठीक है। जी मुबशरा नंबर जी सर, फोर, नंबर फोर क्या बताइएगा? आमिलून है ये जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम, और मतलब क्या है इसका? मतलब नहीं पता सर। मतलब नहीं मालूम। अच्छा चले इसका वाहिद बताएं, वाहिद क्या होगा? आमिल
अल आमिल आमिल या होगा, आमिन? बिल्कुल ठीक है। वाउ नून हटाएंगे तो सिंगुलर रह जाएगा। और अल आमिलून जो है इसका दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है? इसकी एक और फॉर्म भी आती है ना वाउ की बजाय। या नून से अल आमिलीना। हाँ, तो अल आमिलीना भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो जमा है ये, और इसका मतलब है काम करने वाले। आमिल होता है काम करने वाला, आमिलून या आमिलीन काम करने वाले, तो वर्कर्स के लिए आता है। जी जी राबी शहजाद, जी आप सर, राबी प्रोनाउंस करती हैं, रबी प्रोनाउंस करती हैं इसको, नाम को रबी रबी है। अच्छा जी, ठीक है। रबी जी आप बताइएगा नंबर 5 जो है, आशिमून, हाँ, ये मुजक्कर है, जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम, बिल्कुल ठीक है। और इसका दूसरी फॉर्म इसकी क्या हो सकती है? फाशिया हाशियोना, हाशीना, इना, ठीक है। और सिंगुलर क्या होगा इसका? फाशिया, फाशिया, बिल्कुल ठीक है। और मतलब क्या है? डरना, डरने वाले। डरने वाले। ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त। जी रजा, मुजक्कर मोरिजून। आपकी आवाज अब आई है, फिर से बोलिएगा। नंबर 6 बताना है आपको, मोरिजून मोरिजून जमा मुजक्कर। जमा मुजक्कर सालिम है मोरिजोना, ठीक है। और इसका मतलब होता है एराज करने वाले, यानी बेरुखी करने वाले। सिंगुलर इसका भी मोरिज होगा, और मोरिजून की दूसरी फॉर्म मोरिजीन आ सकती है। जी रजिया, नंबर 7। तस्निया है, असायतानी, दो घड़ियां। साआतानी तस्निया, बिल्कुल ठीक है। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? असाउना, नहीं, इसी में तस्निया में हमने पढ़ा है ना, अलिफ के अलावा या भी आ सकता है, कैसे बोलेंगे? असाइतीनी, असाअतैनी, देखें उसमें। असाते हाँ, जब अलिफ की जगह या आता है तो हरकत हम नहीं चेंज करते कोई भी। तस्निया में जी। या से पहले, अलिफ से पहले जबर आता है, तो असाअतैनी असाअतानी, असातानी, सिर्फ अलिफ की जगह यहाँ आ जाएगा। ठीक, चले माशाल्लाह, अच्छा है। जी वेलकम। सबा, नंबर 8। सबा रहमान, जाकिरा तो ये जमा मुजक्कर है। जमा नहीं, मुजक्कर तो नहीं है। आप ये नंबर 8 अज़ाकिरातु, का बता रही हैं ना? हाँ अज़ाकिरातु। अलिफ ते वाली जो जमा है, जनरली ये हम मोनस के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसको जमा मोनस सालिम बोलते हैं आमतौर पे, ठीक सारे है। सिंगुलर क्या अज़ाकिर। होगा इसका? बिल्कुल ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? जिक्र करने वाला, वालिया, जिक्र करने वाला, तो जाकिरात होगा, जिक्र करने वालियां, ठीक है। जी सबीहा, नंबर 9। ये जमा मुजक्कर सालिम है। ठीक है, सही। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? हाफी, नहीं पता सर। नहीं, वाओ की जगह बस सिंपली या आ जाएगा। वाओ से पहले पेश बोलते हैं, तो या से पहले जेर आएगा ना, तो हाफिजूना, हाफिजीना, मतलब है इसका हिफाजत करने ओके, वाले या याद करने वाले। और सिंगुलर क्या होगा जी इसका? हाफिज। हाफिज, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम मुअन्नस इसका यूज करना चाहें, सिंगुलर कई मुअन्नस, तो मुअन्नस कैसे बनाएंगे हाफिज से? और जिसमें अलिफ था आ जाएगा। हाँ, अगर जमा करना हो तो वो तो अलिफ था, लेकिन वाहिद में करना है तो सिफ्ता आएगा, हाफिजातुन।
हाफिज मोनस पहली तो हाफिजा पहली रहती। और जमा मोनस अलिफ ता से हाफिजात, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी लफ्ज को लेकर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, हाफिज हाफिजा हाफिजून हाफिजात। ठीक है। अच्छा जी सालिहा, जमा सालिम मुजक्कर, ठीक है। और इसके दूसरी फॉर्म क्या होगी? साबिरीना, साबिरीना, बिल्कुल ठीक है। जी समन, नंबर 11, ठीक जमा मुजक्कर सालिम, अल है। और दूसरा वेरिएंट इसका क्या है? मुखलिसीन है। ठीक है जी। समिया, नंबर 12, ठीक अल-मुनाफिकून, जमा मुज़क्कर सालिम, अल-मुनाफिकीना। बिल्कुल ठीक है। बहुत जबरदस्त। जी ताहिरा, नंबर 13, इबाद, ठीक जी ये मुज़क्कर है, केला है। हाँ ठीक है। और ये वाहिद है, तस्निया है या जी जमा है? वाहिद है, वाहिद तो नहीं है, वाहिद। वाहिद नहीं है, वाहिद इसको होता है अब्द, जो हम बोलते हैं ना अब्दुल्ला, अब्द वाहिद होता है। तो इबाद क्या होगा? अब्द जो कि वाहिद है तो फिर इबाद जमा है, लेकिन ये कौन सी वाली जमा है? ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। ये वो जमा है जो हम याद करते हैं, क्योंकि इसमें आप देखें वैसे कोई पहचानने का तरीका नहीं है ना, और वो जो आपको कंफ्यूजन हुई है वो बिल्कुल जेन्युइन है, जस्टिफाइड है वो, और वो अक्सर लोगों को हो जाती है कि कोई लफ्ज़ वाहिद है या जमा है तो कभी कभार फर्क नहीं पता चल रहा होता, जमा मुकस्सर वाले केसेस में खासतौर पर। लेकिन ये भी आप लोग जब पढ़ते जाएंगे तो एक टाइम आता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि जमा मुकस्सर के भी कुछ अपने खास पैटर्न्स हैं, वो उन्हीं पे आती है। तो वक्त के साथ साथ आपको उस हो जाएगा अंदाजा इंशाल्लाह। तो ये बहरहाल जमा मुकस्सर है। उमेर सईद, नंबर 14। अल-अनफ़ शो, ये भी सर जमा मुकसर है। ठीक है। और इसका वाहिद क्या होता है? नफ्स, अनफ़ुस, तो सॉरी नफ्स। नफ्स, ठीक है। चलें जी अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें जो वाहिद है, तस्निया और जमा, और फिर जमा में भी जो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें कैसे हम फर्क करते हैं। आगे है, एक छोटा सा टॉपिक है, और वैसे तो ये आसान है, मतलब आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में। तीसरी चीज जो इसम से रिलेटेड है, जैसे हमने पहले ये देखा कि कोई भी इसम जब कहीं किसी जुमले में आता है तो उसका कोई जेंडर है, या वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस, इसी तरह इसम का नंबर होता है जो वाहिद तस्निया जमा होता है। तो एक और चीज जो इसम से रिलेटेड है वो ये है कि इसम जब हम किसी जुमले में लाते हैं तो उसके मानी जो है कभी वो मुतय्यन होता है और कभी मुतय्यन नहीं होता, ठीक है। उसका उसकी जो मुराद है या उसकी वो कभी खास होती है कभी आम होती है। तो इसमें अपनी मुराद के एतबार के एतबार से भी दो जगह सर आपकी आवाज आहिस्ता हो गई है। जी। आवाज आ रही है जी सर अब आ रही अब है, सही क्या? पहले आवाज नहीं आ रही थी? है, आ रही थी लेकिन वो बहुत कम हो गई थी एकदम से। अच्छा जी, तो मैं दोबारा कह देता हूं बात। मैं ये कह रहा था कि इसम जुमले में दो तरह से इस्तेमाल होता है। कभी जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं किसी जुमले में तो उसकी मुराद खास होती है, कभी उसकी मुराद आम होती है। कहीं हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं किसी मुतय्यन शय के लिए, कभी हम उसको किसी मुतय्यन शय के लिए नहीं बोलते। तो अपने इतलाक या अपने माना या अपनी मुराद के अतबार से इसम दो तरह का है, इसमें मारिफा और इसमें नकिरा। ये चीज़ आपने उर्दू में भी पढ़ी हुई है।
जो इस्म किसी खास शय के लिए बोला जाए तो उसे इसमें खास या इसमें मारिफा कहते हैं, और जो किसी आम शय के लिए बोलते हैं उसे इसमें नकिरा या इसमें आम कहते हैं। इसकी मिसाल ये है, जैसे फर्ज कीजिए कि मैं आपसे कहता हूं, आप में से किसी से, कि मुझे कोई किताब दे दो पढ़ने के लिए। तो यहाँ इस जुमले में जो किताब का लफ्ज है वो किसी स्पेसिफिक किताब के लिए नहीं बोला गया। जब ये कहा गया कि मुझे कोई किताब दे दो, तो अब कोई सी भी किताब दी जा सकती है। तो यहाँ इस जुमले में किताब का जो लफ्ज है वो आम है, ठीक है, उसमें कोई भी हर तरह की किताब जैसे उसमें शामिल है, तो उसकी मुराद जैसे खास नहीं है, उसको जनरलाइज किया गया। लेकिन अगर जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने कल ये किताब पढ़ी है, और मैं किसी किताब की बात करते हुए इशारा करते हुए आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, यहाँ पे किताब इस जुमले में खास है, क्योंकि एक स्पेसिफिक बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह जुमले में यूजेज पे डिपेंड करता है, कभी हम किसी इस्म को किसी खास शय के लिए बोल रहे होते हैं, कभी हम उसको आम बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इस्म जो है वो उसका मीनिंग डेफिनेट है तो हम उसको मारिफा कहेंगे, अगर इनडेफिनेट है तो हम उसको नकिरा कहेंगे। क्लियर है ये बात? जी सर, जी ठीक है। अब ये बताइएगा कि इसमें हम फर्क कैसे करते हैं, कैसे पता चल सकते हैं कि कोई इसम मारिफा है या नकिरा है, उर्दू में कैसे फर्क करते हैं वैसे? जी उर्दू में तो यही पहचान है ना कि किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन है, अदरवाइज वो कॉमन नाउन है। नहीं तो इसकी शख्स पहचान चीज या कैसे? जगह का, किसी शख्स चीज या जगह का नाम जो है उसके हवाले से इसमें माफा का जो अच्छा, एक तो ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि किसी का नाम आ गया, शख्स का, चीज का या जगह का, ये तो उसकी सिर्फ एक किस्म है, यानी मारिफा की एक सूरत ये हो सकती है कि कोई नाम ले लिया जाए किसी चीज का, तो वो जाहिर बात है उसकी मुराद खास है। इससे हट के अब जैसे जो इस तरह के लफ्ज हैं, जैसे किताब है, कलम है, स्कूल है, घर है, ये तो अब जाहिर बात है ऐसे अल्फाज है ना जिसके मतलब इतलाकात बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे अप्लाई हो सकता है ये लफ्ज। तो ये लफ्ज कब मारिफा होता है, कब नकिरा होता है, कैसे पता चलता है? सर, जब उस चीज़ का नाम लिया जाता है, जब हम स्पेसिफिक चीज़ का नाम बताते हैं तो फिर वो होता है मारिफा में आता है। जैसे कोई मिसाल दीजिएगा। जैसे सर, अगर जैसे आपने कहा कि मुझे किताब चाहिए, तो अब ये तो नहीं पता कि अब कौन सी किताब चाहिए, तो मारिफा में जब ये होगा जब हम उस किताब का नाम भी लेंगे कौन सी किताब चाहिए उर्दू में, यानी कि इस तरह पहचान कर सकते हैं। हाँ सही है। अच्छा वैसे उर्दू में सिंपल है कि नकिरा का लफ्ज जब हम बोलते हैं किसी लफ्ज को, अगर उमूमी मानी में इस्तेमाल करें तो हम उसके साथ हमेशा एक का लफ्ज़ या कोई का लफ्ज़ या कुछ का लफ्ज़ ऐड करते हैं। जैसे ये है कि मुझे एक किताब चाहिए या कोई किताब चाहिए या मुझे कुछ किताबें दे दो, या मैंने एक लड़के को देखा या किसी लड़के को ये कहते सुना या कुछ लड़कों को देखा, तो एक, कोई, किसी, कुछ, इस तरह के अल्फाज जिस इस्म के साथ आते हैं वो नकिरा होता है, यानी ये जनरलाइज करने के लिए लफ्ज लाए जाते हैं। और इनसे हट के कोई अगर आता है इस्म, यानी ऐसा कोई इस्म जुमले में आता है जिसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं साथ अटैच हुआ हुआ, तो बाय डिफॉल्ट उसको फिर मारिफा समझते, ठीक है। क्योंकि जब हम आमतौर पर हम लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं, और अगर हम कोई लफ्ज ऐसे ही इस्तेमाल करें, मैंने किताब पढ़ ली है, हाँ मैंने जगह देख ली है, तो यहाँ जगह या किताब कोई हम दोनों को पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। उमूमन जब हम इस तरह कोई लफ्ज बोलते हैं कि मैंने आदमी से मिल लिया है, तो यहाँ आदमी भी स्पेसिफिक है, चाहे हमने उसके लिए कोई लफ्ज नहीं बोला, लेकिन वो आदमी है जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे थे, तो हम दोनों को पता होता कि कौन सा आदमी।
इसलिए उर्दू में जैसे बाय डिफॉल्ट है इसम मारिफा होता है, अनलेस ये कि हम उसके साथ एक या कोई या कुछ या इस तरह का कोई वर्ड ऐड करें जिससे पता चल रहा है कि नहीं यहाँ हम इस लफ्ज को उमूमी मानी है बोल रहे हैं, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे करते हैं सर? यूज ऑफ आर्टिकल से, ए बिल्कुल एंड ठीक द है। से। हाँ, और अंग्रेजी में दोनों के लिए आर्टिकल्स हैं तो आसान रहता है। बिल्कुल सही है। तो अगर कोई इसम जो है वो डेफिनेट है किसी, तो उसके लिए हम द यूज कर रहे हैं, अगर वो इनडेफिनेट है तो आ है या एन यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें उर्दू में जैसे हमने देखा कि उसके लिए नकेरा के लिए तो हम यूज कर रहे हैं, मारिफा के लिए कुछ यूज नहीं कर रहे होते हैं। इंग्लिश में दोनों के लिए यूज करते हैं, दोनों के आर्टिकल्स हैं। अरबी में अगर हम देखें तो नकेरा और मारिफा में मारिफा की निशानियां हैं कुछ, या मारिफा के लिए कुछ आर्टिकल्स हम यूज करते हैं। लेकिन जैसे कोई इस्म मारिफा नहीं है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट इस्म नकेरा समझा जाएगा। ठीक है, यानी उर्दू से उलट है। जैसे उर्दू में तो है ना कि अगर आपने एक कोई कुछ यूज नहीं किया तो अब इसम मारिफा तसव्वुर किया जाएगा, तो अरबी में उलट है कि हर इसम नकेरा है अनलेस ये कि आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करें या आप किसी और तरीके से ये बता दें कि वो इसम मारिफा है, जैसे उसका नाम ले लें या उसके साथ इशारा कर दें किसी चीज की तरफ। ठीक है, तो लेकिन अरबी में मारिफा नकेरा दोनों की पहचान नहीं, सिर्फ मारिफा की कुछ पहचान है। तो मारिफा के लिए क्या अलामत आती है अरबी में? सर जिसके शुरू में अलिफ लाम आता है, एक तो इसके लिए बिल्कुल, जो पहचान है। अलिफ लाम है, जैसे अब आप लोग पिछली एक्सरसाइज में देख रहे थे ना अक्सर जगहों पे, जैसे ये अल अनफुस, ये जो अल कलम, अल किताब, अस साआ, अल आमिलून, ये जितने मुख्तलिफ लफ्ज, तो जहां जहां अल इस्तेमाल हुआ हुआ है अल बेसिकली आता है मारिफा के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसी को हम अरबी में लामुत तारीफ कहते हैं या हरफुत तारीफ कहते हैं। ठीक है, तो एक तो अल जो है ये है जो मारिफा की अलामत है, और इससे हट के कुछ और लफ्ज हैं जो मारिफा समझे जाते हैं। जैसे एक जो प्रॉपर नाउन होता है जो किसी का नाम है, जैसे अली है, जैसे लाहौर है, किसी चीज का नाम, किसी जगह का, शख्स का, तो वो नाम भी बाय डिफॉल्ट मारिफा समझे जाते हैं। ये जो प्रॉपर नाउन होता है, जो नाम है किसी का, उसको हम अरबी में इसमें अलम कहते हैं, उर्दू में भी अलम ही कहा जाता है। ठीक है, तो अलम भी मारिफा होता है। फिर इसमें जमीर जो है वो भी मारिफा होती है। जमीर कोई बता सकता है किसे कहते हैं? जी सर, जैसे जो प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है, जैसे अरबी में आप हुमा हुम जो है ये ज़मीर। हाँ ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन्स हैं, जो लफ्ज बोलने वाले को, सुनने वाले, तीसरे बंदे के लिए यूज किए जाते हैं, उनको डिनोट करने के लिए, मैं, तुम, वो, मुझे, तुम्हें, उसे, मेरा, तुम्हारा, उसका, इनको हम जमीर कहते हैं। तो जमीर भी बाय डिफॉल्ट मारिफा होती है, क्योंकि जब मैं का लफ्ज कहीं जुमले में यूज होता है तो उसका मतलब हमेशा एक ही होता है, बोलने वाला ही मुराद है ना उससे। तुम का मतलब हमेशा एक ही है, यानी जिससे बात की जा रही है उसके लिए तुम यूज होगा। इसी तरह वो जो है ये भी हमेशा उसके लिए आएगा जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो जमीर भी खास होती है। इसी तरह इशारा अगर यूज कर लेते हैं, जैसे ये किताब या वो लड़का, तो इशारे का मकसद भी किसी चीज को खास करना है। और इसी तरह इसमें मौसूल के जरिए भी, इसमें मौसूल यानी जो कंजंक्शंस होते हैं, जैसे उर्दू में जो, जिस, जैसे, जिन, तो ये लफ्ज भी जब हम यूज कर लें तो तब भी कोई चीज खास हो जाती है। मिसाल के तौर पे मुझे वो किताब चाहिए जो तुम कल बाजार से लाए थे, तो अब जो का वर्ड यहाँ बेसिकली किताब को एक्सप्लेन कर रहा है आके, चूंकि तो उसकी वजह से अब किताब डेफिनेट है, वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये सारे लफ्ज जो हैं ये मारिफा कंसिडर होंगे, जो नाम है किसी का, अलम, जमीर यानी जो प्रोनाउन है, इशारा, और मौसूल यानी जो जो ये जिसके जरिए जिस लफ्ज को एक्सप्लेन करते हैं, और जो लास्ट है मोर्रफ बिल लाम। मोर्रफ बिल लाम वो होता है जिसको जिसपे अलिफ लाम यूज हुआ है। तो ये सारे अल्फाज
मारिफाएं। खैर ये आसान सी है बहस, और कोई कोई इसम मारिफा या नकेरा है, अभी आपको शायद इसमें समझ ना आ रही हो कि इसको इतना पढ़ने की जरूरत कैसे फर्क क्या पड़ता है, लेकिन आगे जब हम जुमला पढ़ेंगे तो जुमले में हम देखेंगे कि अरबी जुमले की फॉर्मेशन में कुछ जगहों पे इससे बहुत फर्क पड़ रहा होता है कि कौन सा इसम मारिफल है और कौन सा इसम नकेरा है। तो वहां जाके इंशाल्लाह हम इस पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बस इतना समझना काफी है कि मारिफा जो है वो डेफिनेट नाउन होता है और नकेरा जो है वो इनडेफिनेट नाउन है, नहीं इसमें खास और आम, और इनमें हम फर्क कैसे करते हैं। जो बेसिक डिवीजन है वो तो अल के जरिए है, जिस इसम पे अल है वो मारिफा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अल अगर हमने यूज नहीं किया तो इसके अलावा कुछ और भी मारिफा है, जैसे किसी का नाम है जो प्रॉपर नाउन है वो मारिफा है, इशारा मारिफा है, जो मौसूल है जो जिससे अरबी में जिसके लिए अल्लज़ी का वर्ब यूज होता है वो भी मारिफा है, इसी तरह जमीरें जो आती हैं वो भी मारिफा है। इनके अलावा जो इस्म आएगा वो फिर नकेरा समझा जाएगा। क्लियर है जी? जी सर, जी सर, चलें इसको यहां से भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें अलम की एग्जाम्पल्स इन्होंने दी है, मोहम्मद, आयशा, पाकिस्तान, जमीर जैसे हुआ, अंता, अना, इसमें इशारा जो लफ्ज़ इशारा करने के लिए यूज होते हैं। आगे इसको इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि इशारा दो तरह का हो सकता है, एक करीब का इशारा होता है जैसे हम ये बोलते हैं, और एक दूर का इशारा है जैसे वो। करीब के लिए अरबी में जो अल्फाज आते हैं इशारा करने के लिए तो सिंगुलर में, और मुजक्कर के लिए हम हाजा यूज करते हैं जैसे हाजा किताब, हाजा रजुल, हाजा कलम। दो के लिए हम तस्निया के लिए हाजानी यूज करते हैं, जमा के लिए हा ओला यूज करते हैं। तो अगर दो चीजों की तरफ इशारा करना हो तो हाजानी बोलेंगे, जैसे ये दो किताबें हैं, हाजानी किताबान, हाजानी कलमान, हाजानी रजुलान, और ज्यादा की तरफ इशारा करना है तो हा ओला, जैसे हा उलाई मुस्लिमून, हा उलाई रिजाल, हा उलाई मुदर्रिसून। इसी तरह मोनस की तरफ इशारा करना है तो सिंगुलर में हाजी ही यूज करते हैं, तस्निया के लिए हातानी और जमा के लिए हा उलाई। तो ये इसमें इशारा है 6, और हा उला चूंकि इनमें कॉमन है वो मुजक्कर में के लिए भी आता है और मोनस के लिए भी, तो टोटल आप कह सकते हैं कि 5 इसमें इशारा है। हाजा वाहिद के लिए, यानी सिंगुलर में हाजा मुजक्कर के लिए होगा और हाजी ही मुअन्नस के लिए, और तस्निया में हाजानी मुजक्कर का, हातानी मुअन्नस का, और हाजा हाजी ही, हाजानी हातानी, और जमा का जो लफ्ज़ है मुजक्कर मुअन्नस दोनों में हाउलाई। तो ये 5 इसमें इशारा है, और उर्दू में जाहिर बात है इन सब के लिए हम ये ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में हर एक का डिफरेंट लफ्ज़ है वो उसके नंबर और जेंडर के एतबार से, ठीक है। जैसे हाजा रजुल, हाजी ही इमरा, हाजानी रजुलान, हाजान इमरातान, और हा उलाई रिजाल, हा उलाई निसा। ये जो स्टेरिक यहाँ यूज हुआ हुआ है हाजानी और हातानी पे, इसका मकसद ये है कि जैसे हमने तस्निया में पढ़ा था कि उसके दो वेरिएंट्स हैं, तो हाजानी और हातानी के भी दो वेरिएंट्स होते हैं। इसमें ये जो सेकंड लास्ट पे अलिफ है, समटाइम्स ये अलिफ की बजाय या भी यूज होता है, तो हाजानी को कभी कभार आपको हाजैनी भी पढ़ने में मिलेगा, इसी तरह हातानी हातैनी भी यूज हो सकता है। तो ये जितने इसमें इशारा है इनकी मुराद हमेशा खास होती है, चूंकि जाहिर बात है इशारा करने का मकसद किसी चीज को खास करना ही होता है, इसमें इशारा भी बाय डिफॉल्ट मारिफा है। दूर के जो असमाए इशारा हैं वो भी इसी तरह 5 होंगे। अगर हम पहले मुजक्कर के देखें तो सिंगुलर के लिए जाले का है, तस्निया में जाने का, और जमा के लिए ओलाए का, जैसे वो एक किताब है जाली का किताब, वो दो किताबें जानी का किताबान, और अगर हम वो ये कहें कि वो कुछ आदमी है ओलाई का रिजाल। मुअन्नस में भी 3 लफ्ज हैं, वाहिद में तिलका, जैसे तिलका बिंत वो एक लड़की है, ताने का दो के लिए जैसे ताने का बिंतान वो दो लड़कियां हैं, और ओलाए का बनात वो कुछ लड़कियां हैं, तो ओलाए का जमा के लिए, ठीक है। तो कुल ये भी 5 ही लफ्ज बनते हैं, दो सिंगुलर के हैं, जाले का तिलका, जाले का मुजक्कर और तिलका मुअन्नस, दो तस्निया के हैं जाने का और ताने का,
और एक लफ्ज जमा का है उलाएका। और अगेन इसमें जानिका और तानिका पे जो स्टेरिक है वो ये बता रहा है कि जानिका और तानिका को जैनिका और तैनिका भी यूज कर सकते हैं, यानी अलिफ की बजाय या भी आ सकता है। तो पांच इसमें इशारा है करीब के, पांच ही है बईद के। करीब के हाजा हाजी, हाजानी हाथानी और हाउला, और बईद के जालिका तिलका, जानिका तानिका और उलाइका। ठीक है, तो चाहे इसमें इशारा करीब का है या बईद यानी दूर का, इसमें इशारा जब भी किसी जुमले में आएगा तो उसकी मुराद खास होगी और उसे इसमें मारिफा समझा जाएगा। क्लियर जी? उसके बाद जो इसमें मौसूल है या जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी अरबी में कुछ लफ्ज़ हैं जो नीचे गिवन है। उर्दू में इसके लिए हम जो, जिसे, जिस, जिन, ये मुख्तलिफ अल्फाज बोलते हैं। तो अरबी में मुजक्कर में हम बोलते हैं सिंगुलर के लिए अल्लज़ी, तस्निया के लिए अल्लज़ानी, जमा के लिए अल्लज़ीना, और फिर मोनस में अल्लती सिंगुलर, तस्निया अल्लतानी और जमा अल्लाती। और अल्लाती को अल्लाई भी प्रोनाउंस करते हैं, ता की बजा जगह हम हमजा भी यूज कर सकते हैं। और इसमें भी जो स्टेरिक है वो यही बता रहे हैं कि अल्लाजानी अल्लाजैनी भी आ सकता है, और अल्लाजानी को भी अल्लाजैनी भी यूज किया जा सकता है, तो अलिफ की जगह या। तो ये छह लफ्ज हैं इसमें मौसूल, अल्लजी अल्लाजानी अल्लजीना अल्लती अल्लाजानी और अल्लाती। तो इसमें अल्लजी और अल्लजीना तो मेरा ख्याल है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसमें मौसूल भी जो है वो भी मारिफा कंसिडर किया जाता है। चले, अच्छी बात है। आप कोई सवाल है जी, या ये चीज क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? क्लियर है सर। चले, अच्छी बात है। एंड पे अगर हम देखें तो इन्होंने इसमें नकेरा के बारे में लिखा है कि हर वो इस्म जो इसमें मारिफा की पांच अकसाम में से, यानी ऊपर जो मारिफा की टाइप्स हैं या उनमें से अगर नहीं है कोई लफ्ज तो वो नकेरा कंसिडर होगा। और नकेरा को उर्दू में जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक, कोई, चंद, कुछ, ये वाले अल्फाज इसके साथ ऐड होते हैं। लेकिन ये जो एंड पे इन्होंने आखिरी एक हेडिंग दी है, इसमें नकेरा की निशानी, कि इसमें नकेरा के आखिर में उमूमन तनवीन होती है। तनवीन हम कहते हैं, तनवीन बल्कि आप लोग चूंकि तजवीद पढ़ते हैं तो आपको पता होगा तनवीन से क्या मुराद होता है। दो जबर दो पेश और दो जेर। दो जबर दो जेर दो पेश, बिल्कुल ठीक, जिसमें एंड पे साउंड नून का आता है, नून साकिन का। तो ठीक है, अच्छा अब यहाँ जो ये वाली बात लिखी है कि इसमें नकेरा की निशानी है कि उसके एंड पे तनवीन आए, यानी उसमें दो हरकात हो एंड पे, ये और भी कई किताबों में आपको बात मिलेगी ये वाली, लेकिन ये बात गलत है। तो इसको अपने पास नोट कर लें अभी से कि नकेरा की ये जो तनवीन है ये नकेरा की अलामत नहीं होती। तो तनवीन मारिफा पे भी आ सकती है, नकेरा से भी आ सकती है, और तनवीन का किसी इस्म के मारिफा नकेरा होने से कोई ताल्लुक नहीं है, और नकेरा की अरबी में कोई भी पहला अलामत नहीं है, कोई पहचान नहीं। ठीक है, नकेरा को हम कैसे पहचानते हैं, उसी तरह जैसे हम मुजक्कर को पहचानते हैं कि जो इस्म मोनस नहीं है वो मुजक्कर है, जो इस्म तस्नी और जमा नहीं है वो वाहिद, इसी तरह जो इस्म मारिफा नहीं है वो नकेरा है, नकेरा की खुद कोई पहचान नहीं है। तो ये वाली बात जो है इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा कि तनवीन का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, नकेरा या मारिफा होने से। ये एक गलती है जो आम हो गई है। मतलब हमारे यहाँ जैसे होता है नॉर्मली कि एक बुक में कोई चीज आती है तो बाकी लोग भी जब लिखते हैं तो वो चीज सब एक दूसरे से नकल करते रहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये बात गलत है। चले, एक एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मारिफ और नकिरा का फर्क। जी मोमिना, जी सर, मैंने एक सवाल पूछना था जी जी प्लीज एक्सरसाइज के लिए। जी, आप नहीं सर कर लें, सवाल कर लें पहले। सर ये था कि अभी जैसे हमने पढ़ा है ना हाजा और जाली का, यानी कि ये दोनों, हाजा जो है वो इसमें इशारा करीब के लिए आता है ना,
लेकिन सर जैसे कुरान में एक लफ्ज आता है ना, हज़ नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पे ही करीब का क्यों इस्तेमाल हुआ है? सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है लेकिन मैं सवाल समझ नहीं पाया। आपने कहा कि हाजा जो है वो करीब के लिए इशार इस्तेमाल होता है, यही बात कर रही जी थी हम। जी सर, और फिर कुरान पाक में जब हाजन नबी आया तो वो करीब का क्यों इस्तेमाल हुआ इशारा? जी सर, हाँ, तो वो चूंकि जिस वक्त यानी कुरान उतरा है तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद है उन लोगों के बीच, तो वहां करीब का इशारा इस्तेमाल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ये वाले नबी यानी ये रसूल जो तुम्हारे दरमियान है, जो तुम्हारे साथ, ठीक है, तो उन लोगों की निस्बत से तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब है ना, इसलिए करीब का इशारा आया। जी सर, ठीक है सर, नहीं, क्लियर हो गई बात कि नहीं? सही जी जी सर, हो गई है सर। सर। अच्छा जी, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अनम, आप अब इसमें मारिफ और नकिरा को अलग अलग करना है और साथ लफ्ज का मतलब भी बताना है, और यानी उसको बल्कि ट्रांसलेट इस तरह करें कि उर्दू में भी क्लियर हो जाए कि नकिरा या मारिफ। जी, अनम पहला लफ्ज, पेंट। बिंत बेटी, और हाँ, ये लेकिन नकिरा। हाँ नकिरा है ना, तो नहीं उर्दू में फिर कैसे कहेंगे? अच्छा, बिंत बेटी के लिए सिर्फ नहीं आता, असलन बिंत होता है लड़की के लिए ना। तो अगर हम इसको लड़की के तौर तो पे ट्रांसलेट करें तो फिर बिंत, तो नकेरा को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? एक लड़की कह के, एक लड़की या कोई लड़की, एक ठीक लड़की है। या कोई लड़की। इस तरह वो क्लियर हो जाता। जी, मोमिना नंबर टू। अस्सालिहून, ये मारिफायर मारिफा है, ठीक है, और मीनिंग क्या होगा? नेक लोग, साले। जी नेक लोग, ठीक है। जी, मुबशिरा नंबर थ्री। अर्रिजालु, ये मारिफा होगा, और मर्द मर्द, इसकी उर्दू। ठीक है। जी, रबी। निसा उन औरतें, मारिफा या वो है नकिरा? नकिरा। नकिरा है, ठीक है। कैसे पता चला कि नकिरा? अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। हाँ, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम औरतें या कुछ औरतें भी कह सकते हैं, कुछ औरतें कहें तो ज्यादा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, रजिया। जी मेरा नाम राजी है, ये अच्छा, हाजी राजिया। ही है, इशारा करीब का है, हाजी ही, और ये मोनस के लिए होगा, वाहिद, वाहिद मोनस के लिए, और मतलब इसमें इशारा, ठीक है। और मारिफा है एक कि नकिरा? ये ये समार्फ है। मारिफा, बेहतरीन। जी, सबा। ही वर्ड है आना, आना का मतलब होता है मैं, और ये इसम इशारा है। मारिफा है नकिरा? ये नकरा है, नकरा है। नकिरा से क्या मुराद होता मतलब उसमें एक स्पेसिफाइड नहीं होता, मतलब नहीं, मतलब आना कोई भी मैं, कोई भी मैं हो सकता है इसमें। वो स्पेसिफिक शो नहीं किया हुआ कि भी किसी बंदे के साथ उसको लिंक किया हुआ हो। है? लेकिन जब अना का वर्ड या मैं का लफ्ज हम जब भी किसी जुमले में लाएंगे तो जो आदमी मैं कह रहा है वहां मैं मारिफा होगा या नकिरा होगा? जब हम लोग बोलते हैं मैं का मतलब वहां क्लियर होता है या नहीं? वहां पे मारफा होगा। मारिफा होगा ना। हाँ, इसलिए मतलब इसको मारिफा ही कंसिडर करेंगे इधर भी। उसकी वजह यही है कि अकेला लफ्ज जो है ना वो तो उसमें मारिफा नकिरा का सवाल उठता ही नहीं है, जुमले में आता है कि कहीं पे कोई लफ्ज मारिफा है कहीं नकिरा। जो एक अकेला वर्ड है वो तो मारिफा भी हो सकता है नकिरा भी, उसमें ये क्वेश्चन हम करते भी हैं कि मारिफा या नकिरा,
तो आपने अभी जितने भी लफ्ज है ना उनको जुमले के अतबार से सोचना है कि अगर ये लफ्ज जुमले में आएगा तो क्या मारिफा होगा या नकेरा। तो अना मारिफा होगा शायद, ठीक है, क्योंकि ये जमीर है ना, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउंस जो है उनका मतलब मुतय। जी सबीहा। जालिक ये मारफा होगा। जाले का मारिफा है, ठीक है, चूंकि जाले का मीनिंग क्या है? मीनिंग नहीं पता सर। या ये किस तरह का, इसमें किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जाले का? सर ये मोनस में यूज करते हैं, नहीं, जमा में करते हैं। नहीं, लेकिन होता किस लिए, मानी इसका, लेकिन आप बता रही है कि मीनिंग इसका आपको नहीं पता है। चले सालेहा आप बताइएगा। वो मतलब है इसका, इशारा हाँ, करें तो ये हम। इशारा है बेसिकली, तो इसी वजह से मारिफा, चूंकि इशारा उसके माना मुराद क्लियर होती है। ठीक है जी सालेहा, आगे भी बताइएगा। नंबर 8। ये भी इशारा है। एक मिनट, ये इसमें मार्फा है। इसमें मारिफा है ये भी, और उसकी वजह ये है कि ये नाम है ना, नाम इसमें है आलम है। जी। ठीक जी है जी जी समन नंबर 9। नकरा। नकेरा है, ठीक है, और मीनिंग क्या होगा इसका? फासिक औरतें। हाँ, नाफरमान औरतें या कुछ नाफरमान औरतें, तो वो नकेरा आ रहा है। ठीक है जी समिया। असादानी मार्फा है, दो घड़ियां। 2 घड़ियां, ठीक है, और उमेर आप बताइएगा जो लास्ट है। नीलातुन सर ये इसम नकरा है, क्योंकि अलिफ लाम जो है वो नहीं लगा हुआ। ठीक है, और जमीला कहते किसे? खूबसूरत औरतें हो गई, मोनस ये सिंगुलर है। जैसे। अच्छा हाँ सिंगुलर है, एक खूबसूरत औरत या कोई भी चीज। ठीक है आगे है एक्सरसाइज के, मारिफा को नकेरा बनाना है, तो ये आप लोग खुद करेंगे, लेकिन इसको जरा बस मुझे बता दें कि कैसे बनाएंगे मारिफा को नकेरा। अलिफ लाम को हटा के। हाँ सिंपली बस अलिफ लाम हटा देंगे तो मारिफा जो है वो नकेरा बन जाएगा, और आगे इस नकेरा को मारिफा बनाना है तो नकेरा को मारिफा बनाने के लिए वही अल लगा देंगे, अल लगाएंगे तो मारिफा हो जाएगा। ठीक है चले, ठीक है जी, काफी है यहाँ तक, तो इंशाल्लाह अगली दफा फिर आगे बढ़ेंगे।